नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में सासाराम सीट की। सासाराम सीट से 2019 में कौन बनेगा सांसद। इसी क्षेत्र में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का निवास स्थान है। सासाराम की ऐतिहासिक पहचान है, यह रोहतास जिले का मुख्यालय है। अफगानी शासक शेर शाह सूरी का जन्म यहीं हुआ था। वह मकबरा आज भी स्मृतियों को संजोए हुए है। भारत अफगान शैली में लाल बलुआ पत्थर से बना मकबरा झील के बीच में है। सासाराम अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित संसदीय सीट है। इसकी पहचान पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम के नाम से होती है, जिन्हें लोग आज भी बाबूजी के नाम से याद करते हैं। वे 1952 से लेकर 1984 तक 8 बार यहाँ के सांसद चुने गए। उन्होंने 6 बार कांग्रेस, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जगजीवन पार्टी से चुनाव जीता। उनकी पुत्री मीरा कुमार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। वे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार भी थी। 2014 के चुनाव में भाजपा के छेदी पासवान यहां से सांसद चुने गए। इस सीट पर 2 बार जनता दल का कब्जा रहा, भाजपा ने 4 बार यह सीट जीती। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी सासाराम संसदीय सीट इस बार सियासी रण काफी रोचक होने वाला है। कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 क्षेत्र कैमूर जिले के और 3 रोहतास जिले के हैं। इनमें चेनारी, मोहनिया, एससी सुरक्षित सीट है। सासाराम संसदीय क्षेत्र में पहले सासाराम, चेनारी, मोहनिया, भभुआ, रामगढ़ और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र आते थे। बाद में परिसीमन हुआ और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र बक्सर में चला गया। परिसीमन ही सासाराम से दिनारा, चेनारी और मोहनिया विधानसभा क्षेत्र कटकर अलग करहगर विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। इस संसदीय सीट के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, भभुआ, चैनपुर और मोहनिया में भाजपा, चेनारी में रालोसपा, सासाराम में राजद व करहगर में जदयू अभी काबिज है। पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छेदी पासवान जदयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार को हराया। 2014 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी छेदी पासवान ने जीत दर्ज की। उन्हें 3,66,087 वोट मिले थे। पासवान ने कांग्रेस की दिग्गज प्रत्याशी मीरा कुमार को 3,27,060 वोट मिले। उनका वोट प्रतिशत 35.75 था, जबकि जदयू ने केपी रमैया को अपना उम्मीदवार बनाया था। रमैया तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार परिस्थिति बदली हुई है। पासवान की जीत और मीरा कुमार की हार का अंतर 63,327.48% था। वहीं हमारे चैनल के द्वारा, जिसमें सासाराम लोकसभा क्षेत्र से सबसे लोकप्रिय मुखिया माने जाने वाले कमलाकांत पांडे से हमारी बात हुई कि सासाराम से कौन बनेगा सांसद, और इसके साथ ही शाहबाद के लोकप्रिय मुखिया माने जाने वाले प्रमोद कुमार तिवारी से हमारी बात हुई। शाहबाद से जुड़ी विकास के कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर हमारी बात हुई। हिंदुओं की आस्था का केंद्र देवी चंडी का एक भव्य मंदिर भी यही है। देश भर में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान के रूप में मशहूर इस जिले की अपनी अलग सियासी पहचान है। पूर्वी बिहार का बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट सासाराम को गेटवे ऑफ बिहार भी कहा जाता है। मतदाता की बात करें तो 17,71,935 मतदाता इस लोकसभा के अंदर हैं, जिनमें पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,28,140 पुरुष मतदाता, वहीं महिला मतदाता 8,43,795 हैं। सासाराम में 19 मई को 7वें और अंतिम चरण में मतदान होगा, वहीं नतीजा 23 मई को आएंगे। वहीं अन्य पार्टी से, निर्दलीय और पार्टी से भी उम्मीदवार खड़े हैं। अब ये आपका मत निर्णय करेगा कि किसे आप अपना सांसद चुनकर और दिल्ली भेजते हैं और किसे अपना मत देते हैं। वहीं अगर बात करें घूमने फिरने के लिए तो सासाराम इसके लिए एक प्रसिद्ध जगह है।
अफगानी शासक शेर शाह सूरी का मकबरा आप यहाँ पर घूम सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ की मशहूर झील भी आप यहाँ घूम सकते हैं। वहीं माता तारा चंडी का भी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ आप देख और घूम सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।